भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम् भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम् सदैव प्रार्थना करे श्री राम में ही चित धरे स्वरूप से जो मन हरे दुख पाप सब तरे राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। जटा कलाप शोभितं समस्त पाप नाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजे हराम मद्वयं जटा कलाप शोभितं समस्त पाप नाशकं स्वभक्त भीति भंजनं भजे हराम मद्वयं अलको से रिझा रहे अखंड शोभ पा रहे पाप नाश कर रहे भक्त क्षोभ हर रहे राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरंजनं भजे हराम मद्वयम् निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरंजनं भजे हराम मद्वयम् कृपा के जो समुद्र है स्वभाव से वो भद्र है समान रूप रुद्र है ये ऐसे राम चंद्र है राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। सह प्रपंच कल्पितं ह्यनाम रूप वास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हराम मद्वयं सह प्रपंचकल्पितं ह्यनाम रूप वास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे हराम मद्वयं न कोई सदूसरा श्री राम नाम है परा रच दैव सुंदरा रोग व्याधि देहरा राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मल निरामयम् चिदेकरूप संततम् भजे हराम मद्वयम् निष्प्रपंच निर्विकल्प निर्मल निरामयम् चिदेकरूप संततम् भजे हराम मद्वयम् मन है जिसका निश्चल पवित्र ज्ञान निर्मल भक्त को जो दे बल सदैक रूप हर पल राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। भवाब्धि पोत रूपकं ह्यशेष देह कल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराम मद्वयम् भवाब्धिपोतरूपकं ह्यशेष देह कल्पितं गुणाकरं कृपाकरं भजे हराम मद्वयम् वो ही भव से पार है जिसके राम धार है सब सुखों का सार है सब दुखों की हार है राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। महान वाक्य बोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजे हराम मद्वयम्
महान वाक्य बोधकैर्विराजमान वाक्पदैः परब्रह्म व्यापकं भजे राममद्वयम्। जिनको वेद गा रहे महिमा जो सुना रहे, ऐसे ब्रह्म रूप है ये सर्वदेव भूप है। राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। शिव प्रदम सुख प्रदम भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमान दैशिकं भजे हराममद्वयम्। शिवप्रदं सुखप्रदं भवच्छिदं भ्रमापहं विराजमान दैशिकं भजे हराममद्वयम्। कल्याणकारी है सदा शांति भक्ति के प्रदा, कष्ट हो यदा कदा देते मोद से लदा। राम नाम ले सदा श्री राम नाम ले सदा। रामाष्टकं पठति यः सुकरं सुपुण्यौ व्यासेन भाषितमिदं शृणुते मनुष्यः। विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं संप्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम्। जो मनुष्य वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री राम के इस स्तोत्र को जो अत्यंत सुखदायक तथा पुण्यदायक है पढ़ता या सुनता है, उसे ज्ञान धन सुख और अनंत कीर्ति प्राप्त होती है तथा देह छोड़ने के पश्चात उसे मोक्ष का लाभ मिलता है। इति श्री व्यास विरचितं रामाष्टकं संपूर्ण।